नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी संसदीय बोर्ड की अहम बैठक शुरू हो चुकी है। ये बैठक प्रधानमंत्री की अगुवाई में हो रही है। बताया जा रहा है कि बैठक में राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर मोहर लगेगी। बीजेपी ने राष्ट्रपति उम्मीदवार पर सर्वसम्मति को लेकर 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाई है, जिसमें राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू और अरुण जेटली शामिल हैं। राजनाथ सिंह और वेंकैया नायडू ने इसे लेकर सोनिया के नाम पर मोहर लगेगी। बीजेपी ने राष्ट्रपति उम्मीदवार पर सर्वसम्मति को लेकर 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाई है, जिसमें राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू और अरुण जेटली शामिल हैं। राजनाथ सिंह और वेंकैया नायडू ने इसे लेकर सोनिया गांधी और सीताराम येचुरी से मिले हैं और इस पर चर्चा की है, जिसके बाद कांग्रेस ने कहा कि वो बिना नाम लेकर आए थे, उन्हें पहले नाम लेकर आना चाहिए था। उधर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर समाजवादी कुंबे में भी 2 फाड़ सामने आ रहे हैं। एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी समर्थित उम्मीदवार का समर्थन करने का ऐलान किया है, तो वहीं अखिलेश खेमा बीजेपी समर्थित उम्मीदवार का विरोध करेगा। अमित शाह भी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे से मिल चुके हैं और उनसे चर्चा भी की है। उन्होंने औपचारिकता से पूरी करी है। हमने उनसे पूछा कैंडिडेट का नाम तो बताइए, तो नाम तो उन्होंने अभी तय नहीं किया है। हाँ, एक सुझाव जरूर समाजवादी पार्टी ने उनको दिया। हम लोगों ने उनसे कहा कि हमारी ये मांग है कि देश का राष्ट्रपति कोई राजनीतिक व्यक्ति होना चाहिए, कोई गैर राजनीतिक व्यक्ति नहीं होना चाहिए। बाहर में राष्ट्रपति जैसे हम लोग मिलने जाते हैं और कोई ऐसा नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति होता तो हमको मिलने में कहीं ना कहीं हिचक होती है कि हम ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जिसका राजनीति से कोई रिश्ता नहीं है। वो भी इस बात से करीब करीब सहमत थे। बाकी पत्ते खुलने दीजिए, तब अपोजिशन अपने पत्ते खोलेगा। बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और विपक्ष के सभी दलों ने इकट्ठा मिलकर अपना कैंडिडेट निर्धारित करने की का निर्णय लिया है और सबसे पहले कोशिश ये की जाएगी कि सरकार की तरफ से ऐसा नाम आए जिसमें आम सहमति हो और कोई चुनाव की आवश्यकता ना हो। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री दोनों ही मौजूद हैं। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक शुरू हो चुकी है। मंथन इस बात को लेकर है कि आखिरकार राष्ट्रपति चुनाव के लिए कौन उम्मीदवार होना चाहिए। आंकड़ों और नंबर की बात करें तो वो बीजेपी और एनडीए के पाले में है। हमारे साथ हमारे सहयोगी यतेन्द्र जुड़ रहे हैं। यतेन्द्र, तमाम विपक्षी दलों और सहयोगी दलों के मन को टटोला जा चुका है, अब इंतजार इस बात का है कि प्रधानमंत्री के मन की बात क्या है और ये भी हो सकता है, निर्णय पॉसिबिलिटी है इस संसदीय बोर्ड की बैठक में कि अंतिम फैसला प्रधानमंत्री पर ही छोड़ दिया जाए। देखिए, बिल्कुल आंचल, तमाम विपक्षी दल और जो एनडीए के घटक दल हैं उनसे बीजेपी ने जो कमेटी 3 सदस्य बनाई थी उन सब ने 1-to-1 बात की है और सबके मन की राय जानी है और अब पार्लियामेंट्री बोर्ड में वो राय कमेटी के मेंबर वेंकैया नायडू और जेटली रखेंगे, क्योंकि राजनाथ सिंह भी इस कमेटी में, लेकिन कल उनका पैर फ्रैक्चर हो गया इस वजह से वो इस मीटिंग में नहीं। तो ये दोनों नेता उन तमाम नेताओं की बात रखेंगे कि किस क्या क्या बात हुई, उसके बाद अंतिम फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह उनके मन में क्या चल रहा है वो भी अपनी बात बताएंगे और संघ के भी कुछ नेताओं से इस मामले में डिस्कशन किया गया था, तो उन सबके नामों को लेकर जो सूची आएगी फिर उस सूची पर बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड डिस्कशन करेगा और अपना एक पैनल बनाएगा। उस पैनल के बाद जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उस पैनल के नामों को एनडीए की मीटिंग में ले जाया जाएगा और जो अंतिम फैसला होगा वो एनडीए की मीटिंग में होगा कि बीजेपी चाहती है कि जो भी कैंडिडेट राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए हो वो एनडीए का अधिकृत प्रत्याशी हो। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए यतेन्द्र, इस अपडेट के लिए शुक्रिया।